हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्कूल से आ चुकी हूँ, बस यही सोच रही थी क्या बनाऊँ, और आइडिया आया कि आज बनाते हैं कुछ मस्त हेल्दी सा और चटपटा फ्लेवरफुल, जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया, जो है मैक्सिकन डिश। और ये मैं खुद पहली बार बना रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ मैक्सिकन रैप। उसके लिए हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स, जिनको मैंने निकाल के रख दिए हैं फ्रिज में से, और अभी हम सीधा करेंगे उसकी चॉपिंग। तो यहाँ पे मैं फटाफट बारीक कट कर रही हूँ प्याज, और ये जो स्पीड है गाइस, काश ये स्पीड सच में ऐसी होती तो कित मज़ा आ जाता। एनीवेज, ये थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, यानी कि टाइम लैप्स में है, और फिर कॉर्न कर्नल्स को भी मैंने निकाल दिया है। और उसके लिए रैप के लिए हमें चाहिए राजमा, जिसको मैंने सोक करके फिर बॉईल कर दिया था 6 विसल तक, बॉयल्ड पोटैटोस, कैप्सिकम, अनियंस, और ये कॉर्न कर्नल्स निकाल के रखे, बाद में बॉयल कर दूंगी। टमेटोस, ये है ग्रीन चिली और गार्लिक की पेस्ट, टोमेटो केचप, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, मिक्स हर्ब्स और ब्लैक पेपर। उसी के साथ मैंने लिए है लेटिस, जिसको मैंने आइस वाटर में रखे ताकि वैसे ही क्रंची रहे। तो सबसे पहले फिलिंग के लिए हम लेंगे ऑयल, उस ऐड करेंगे उसमें ग्रीन चिली और गार्लिक की पेस्ट। अच्छे से भुनने के बाद उसमें ऐड करेंगे प्याज, और यहाँ पे मैंने ऑयल एकदम कम लिया है। आप बटर या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, बट मुझे ज़्यादा ऑयल ही नहीं करना था इसलिए। और यही स्टेज पे मैं कैप्सिकम भी ऐड कर दूंगी, ताकि थोड़ा वाटर लूज़ हो, तो अच्छे से मैं और सौते कर सकती हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा सा ग्रीन चिली और गार्लिक चिपक रहा था, बट वो ठीक हो जाएगा। बस इसको अच्छे से सौते करना है, और फिर उसमें ऐड करेंगे टमाटर। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा क्रंच रहने देना है फ्लेवर के लिए। और बस वापस उसको अच्छे से मिक्स करना है टमेटोज़ को, और जब भी मैं मिक्स कर रही हूँ तो हल्का सा स्मैश करते जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ तवीथा। इसको हम तवीथा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो मुझे बताना। और फिर जैसे हम पाव भाजी में थोड़ा सब्जियां स्मैश करते हैं, वैसे इधर भी स्मैश करूंगी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तक थोड़ा सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो सॉफ्ट होने के बाद मैंने अच्छे से स्मैश किया, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, तो उसी से मैंने फटाफट कर दिया। और देखो नीचे अभी आपको कुछ भी चिपका हुआ नहीं दिखेगा, और इनफैक्ट मैंने ऑयल भी ऊपर से नहीं डाला था। और फिर यही स्टेज पे हम ऐड करेंगे राजमा। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3 से 4 कप राजमा लिया है, छोटे छोटे, बड़े कप आप 2 ले लेना। और इसको मैंने, आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो, बट मैंने सुबह इसको सोक करने रखा था, और फिर शाम को मैंने 6 विसल तक उसको पकने दिया। उसके बाद ये है, और ये प्रॉपर कुक हो चुके हैं, तो अभी अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ द स्मैशर उसको धीरे धीरे स्मैश करते जाएंगे, क्योंकि राजमा का भी साथ में थोड़ा थिक वाटर है, तो उसी की हेल्प से हम स्मैश कर लेंगे। तो अगर थोड़ा पानी आता है तो कोई बात नहीं, और फिर उसमें हम सीजनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है मिक्स हर्ब्स, आप ऑरेगानो भी डाल सकते हो, बट मेरे पास मिक्स हर्ब्स है। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि उसमें टोमेटो केचप भी आने वाला है, रेड चिली फ्लेक्स अगेन स्पाइसीनेस के लिए, एंड टोमेटो केचप इसलिए ताकि वो जो टेस्ट है वो बैलेंस रहे, सार स्वीट वैसा। और इसी में आप मेयोनीज है और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट मैं ये एकदम ऑथेंटिक मेरे स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी अंदर। तो इसमें टमेटो केचप ऐड करने के बाद अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर आप बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, तो मैंने फ्रेशली ब्लैक पेपर पाउडर को कूट के मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा मत डालना वरना स्पाइसी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा स्पाइस लेवल होता है उसमें, और हमने ग्रीन चिली भी डाला है, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है इसमें। और फिर ऐड करेंगे मैश्ड पटेटोज़, ये इसलिए ताकि वो बाइंडिंग आए। और गाइस, अगर आपको चाहिए तो आप इसका टिक्की बना के भी आप रैप में डाल सकते हो, बट फिर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो बेटर है कि जैसा मैं बना रही हूँ इट्स इजी वे। और यहाँ पे आलू मस्त ऐड कर चुकी हूँ, बस अभी उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। एंड यस, ये आलू मैंने ऑलरेडी फ्रिज में कल बॉईल करके रखे हैं इमरजेंसी में, तो अभी मुझे काम आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है स्मैश करने में, क्योंकि वो ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट कंसिस्टेंसी में फिलिंग रेडी है। अब बनाते हैं सालसा, तो उसके लिए हमें चाहिए कॉर्न, कोरिएंडर, लेमन जूस, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ,
और यहाँ पे बस फिलिंग में मैं ऐड कर रही हूँ धनिया, क्योंकि मैं भूल गई थी ऐड करना, और धनिया के बिना तो इनकम्प्लीट है। तो यस, इसका फ्लेवर भी बहुत मस्त आने वाला है गाइस। तो यस, माय फिलिंग इज़ एब्सोल्युटली रेडी, एंड सी द कंसिस्टेंसी, जो आपको लग रहा था कि एकदम थोड़ा सेमी लिक्विड होगा, वैसा नहीं है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसमें फिलिंग भी ज़्यादा गिरेगा नहीं बाहर। और अभी हम बनाते हैं सालसा, तो उसमें मैंने प्याज, टमाटर, कॉर्न और लेमन जूस एंड कोरिएंडर डाल के बना दिया है। और ये है मेयो डिप, जिसको मैंने मेयोनीज और जो ग्रीन चटनी रहता है घर पे वही मिक्स कर दी है, तो वो इजी वे है डिप के लिए। बाकी आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। और ये बड़ी सी रोटी बना के रखी है, जो मैं साइड बाय साइड सेक भी रही हूँ यहाँ पे। और ये व्हीट की है, प्योर गेहूं की रोटी है, उसमें मैंने मैदा भी नहीं, कुछ भी मिक्स नहीं किया। बस अभी जो मिंट मेयो है वो मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ, और ये घर का है तो ये बेटर है। हाँ, मेयोनीज बाहर का है, बट चटनी मैंने ऐड किया है। और गाइस ट्रस्ट मी, ये फ्लेवर इतना मस्त आ रहा है, आई टेल यू, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। क्योंकि ये जो मिंट चटनी है इसमें थोड़ा हल्का सा गार्लिक भी है। और फिर वो लेयर के बाद हम ऐड करेंगे लेटिस। अगर लेटिस नहीं है तो आप कैबेज भी डाल सकते हो, बट लेटिस का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वो क्रंच, वो टेक्सचर सिर्फ लेटिस से आएगा। तो पहले हम लेटिस को स्प्रेड कर देंगे, फिर उसके ऊपर ऐड करेंगे हम राजमा का फिलिंग। और यहाँ पे अगेन, राजमा इज़ वेरी हेल्दी, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो बच्चों को भी ये बहुत मज़ा आने वाला है। अगर उनके लिए आपको चाहिए तो आप थोड़ा अंदर मेयोनीज या चीज़ भी ऐड कर सकते हो, जो मैं आगे करूँगी। और फिर इसको अच्छे से थोड़ा स्प्रेड करना है, और आई विल सजेस्ट कि ज़्यादा ओवर मत डाल देना, वरना आपको रैपिंग करने में मुश्किल होगी। फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे सालसा। गाइस इसमें ऊपर हमें कुछ भी मसाला या कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये ऐसे ही रखना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फ्लेवर है राजमा में, फिर जो मिंट मेयो है उसमें भी है, तो फिर ज़्यादा कुछ मत डालना, वरना राजमा का फ्लेवर नहीं आएगा। फिर उसमें ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पे बस मैं चीज़ को ग्रेट कर रही हूँ, और ये अपने लिए नहीं है, ये मेरी बहन के लिए, शी इज़ अ चीज़ लवर, तो उसके लिए बस मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। लकीली एक ही चीज़ था फ्रीज़र में, तो इस कारण थोड़ा चीज़ ऐसे ग्रेट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुका है। और आप यही स्टेज पे आप मिंट मेयोनीज भी अंदर ऐड कर सकते हो, अगर आपको करना है तो। टोमेटो केचप है या कोई और भी अगर आपको डिप पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हेल्दी रैप ऑलमोस्ट रेडी है सेकने के लिए। तो यहाँ पे चीज़ बस मैंने ऐड कर दिया है, अभी इसको रोल करेंगे। तो जैसे हम फ्रेंकी का रोल करते हैं वैसे ही, अगर आपको चाहिए तो आप दोनों साइड से भी रैप कर सकते हो, आपके ऊपर है। और अगर आपके पास ग्रिलर है तो और भी बेटर है, आप अच्छे से ग्रिल कर सकते हो उसमें। एंड यस, फ्रेंकी की तरह मैंने सेक लिया है। बस अब मासी मुझे हेल्प कर रही थी, तो बस वो कट करके दे रही है। एंड गाइस सच में जो इसका लेयर बाहर आया है, जस्ट सी द लेयर, परफेक्ट लेयर है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब हम कुछ मेहनत से बनाते हैं और कुछ एग्जीक्यूट होता है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही रहती है। और गाइस ये रेसिपी मैंने कहीं नहीं देखी है, ये मेरी खुद की रेसिपी है। यस, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्योतिश्री जैन। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए। बाय गाइस।